कैसे हैं सारे, ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आप लोगों की माउंटेन फेरी, और माउंटेन फेरी फंस गई है बारिशों के बीच में। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है अभी तो, और 10 दिन तो बारिश दिखा ही रहा है। आज कुछ ज़्यादा ही दिखा रहा था। मैंने तलंगपी जाना था शूट करने के लिए, तो मेरा कुछ प्रोग्राम सेट था कि मैं ऐसा कुछ करूँगी, बट हो नहीं सका क्योंकि आज बहुत बारिश हो रही है। और घर का जो हाल बेहाल है ना, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और देखिए धुंध कितने ऊपर ऊपर तक पड़ गई है। तो आज क्या क्या चल रहा है घर में, यही दिखाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं पाई हूँ। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। इतनी चलिए, बारिश हो रही है, और ऐसे बारिश के वक्त हमने यहाँ छत का काम छेड़ दिया था, तो नीचे काफ़ी लीकेज हो रही है। किचन में भी इतना पानी है कि पूछो मत, कीचड़ ही कीचड़ हुआ हुआ पड़ा है आजकल ना। तो यहाँ पे हमने पहले ऐसे कोटा स्टोन लगाया हुआ था, देख सकते हैं आप लोग, ये सोलर पैनल लगाया हुआ है हमने यहाँ पे। तो ये वाला जोड़ था ना, यहाँ से लीकेज होती थी पहले पहले, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था जब हम इस पे ना कोटा स्टोन बिछा रहे थे। तो अब दोबारा से कोटा स्टोन को निकाल कर अब दोबारा से इस तरीके से लगाएंगे कि वाटर प्रूफ रहे, ताकि नीचे लीकेज ना हो। तो इस वजह से नीचे का जो हाल है, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। अभी दिखाती हूँ कि नीचे कितना पानी पानी हो रखा है, सब जगह बर्तन रखा हुआ है हमने, और ये बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। देखिए कितनी बारिश हो रही है। ये देखिए इतने बड़े बड़े टब रखना पड़ रहा है हमें, और ये जो किचन की गैलरी है ना, यहाँ पे तो पूछो मत। ये देखिए यहाँ पे भी हमने टब और बाल्टी रखी है, और जगह भी रखे हुए हैं। आजकल सब जगह कीचड़ कीचड़ हो रखा है, पता नहीं कितने बार तो वाइपर मार लेते हैं हम। दिन में ना सुबह से शाम तक वाइपर ही मारते रह जाते हैं, और ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, नुकसान पे नुकसान कर रही है। बाकी तो क्या, खेतों के लिए तो चलो अच्छा है, फसल के लिए तो, लेकिन यहाँ हमारे लिए बुरे हाल हो रहा है। यहाँ देखिए दो बड़े बड़े ड्रम रखा हुआ है मम्मी ने, यहाँ पे भी पानी भर रहा है। अगर यहाँ ये नहीं रखते ना, तो नीचे स्टोर के अंदर घुस जाता पानी। तो ये दो रखा हुआ है, ये तो दिन में 2 बार तो भर ही गया था, तो इतना पानी भर रहा है। और देखो बारिश रुकने का नाम नहीं है, और बारिश लगातार हो ही रही है। बस फूल जी भर के पानी पी रहे हैं, बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। और ये किचन का हाल देखिए, यहाँ पे एक बड़ा टब रखा हुआ है, इसके चारों तरफ इतना पानी गिर रहा है ना, यहाँ से पूछो मत। बस ये काम भी हमने गलत टाइम पे छेड़ दिया, जिसका भुगतान अब हमें करना पड़ रहा है, इतनी हालत ख़राब है। और यहाँ पे ना इतनी बारिश हो रही थी, और कुत्तों को ना पाप, मतलब दुख हो रहा है मुझे कुत्तों को देखकर, क्योंकि कुत्ते ना बहुत भीग रहे हैं बारिश में। खुश तो हो रहे हैं लेकिन भीग भी रहे हैं, और साथ में ना इतना कीचड़ कर रहे हैं कुत्ते, क्या ही बताएं। ये दोनों खेलते खेलते इतना कीचड़ कर रहे हैं, फिर वो साफ़ करो, इनके पीछे भी बस लगे रहो, बेचारे परेशान है ये भी। फिर मम्मी ने कहा कि वंशीर वाले बगीचे में चलते हैं, तो हम वहाँ जा रहे थे गाड़ी में, और रास्ते में देखिए किस तरीके से धुंध था वहाँ पर। और क्योंकि घर पे ना घास नहीं था गाय के लिए, तो गायों को भूखा तो नहीं रख सकते थे। तो मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, बारिश हो रही है तो फिर भी चल जाते हैं हम लोग एक बार ऊपर बगीचे, थोड़ा बहुत घास लेकर आएंगे। जो हमारे लेबर भाई लोग हैं, नेपाली भाई लोग, वो भी हमारे साथ आ रहे थे। तो गाइस चलिए देखिए, बारिश का पानी अभी भी ऐसे ही है घास पर। ये देखिए ऐसे गीले में घास कट करना पड़ रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है, कपड़े वैसे ही गीले हो रहे हैं, है ना मम्मी? बुरे हाल है। हाँ, क्या करना क्या करना, गाय को भूखा तो नहीं रख सकते, घास तो खिलाना पड़ेगा, सूखा घास भी कितना ही खिलाए। तो ऐसे बारिश में आए हैं, मम्मी जैकेट वगैरह तो सब गीला हो रहा है, जैकेट आपका पजामा भी गीला हो रहा है। गीला हो गया। तो अभी भी और बारिशों वाला मौसम है, एक हफ्ते तक ऑलमोस्ट यही रहेगा। मैं बंशीर आई हुई थी तो मैंने सोचा आप लोगों को बादाम भी दिखा दूं। तो अभी आजकल बादाम इस तरीके से हैं, कच्चे हैं। ये देखिए यहाँ पे बंशीर में ना कुछ पेड़ है लगाए हुए हमने बादाम के, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए सेब कितने हरे हरे से हैं, अभी तो काफ़ी छोटे हैं। ये तो सितंबर अक्टूबर में तैयार होने वाले सेब हैं, रॉयल रिचर्ड रेड वगैरह। जो मैंने पहली वाली वीडियो में दिखाया था वो अर्ली वेराइटीज़ है सफ़र के, जो कि जल्दी तैयार हो जाते हैं, अगस्त एंड एंड तक वो तैयार हो जाते हैं, एंड कलर उनमें पहले से
आना स्टार्ट हो जाते हैं। इनमें थोड़ा टाइम लगता है, ये जो हमारे ट्रेडिशनल वेराइटीज़ हैं एप्पल की। बाकी बगीचों का नज़ारा तो आप देख ही सकते हैं, हमेशा से ही खूबसूरत रहता है। और स्नो को मैं साथ लेकर आई थी, आप लोगों को बताइए, हर जगह मैं इसे साथ ही लेकर जाती हूँ। और लूना घर पे अकेली है, बारिश में मम्मी काला ज़ीरा भी उठा रहे हैं साथ साथ ही, यहाँ देखिए। और ब्लैक ज़ीरा के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, अगर इसके फ़ायदे आप लोगों को पता नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं काला ज़ीरा वाली, जो कि ये खुद उग जाता है यहाँ पे, वाइल्ड है ये, कितना ऑर्गेनिक जीरा है देखिए। तो ऐसे यहाँ घास में बीच बीच में ढूंढना पड़ता है। उस वीडियो में ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, हर एक चीज़ आप लोग देख सकते हैं। तो साथ में ये भी, और बारिश फिर शुरू हो गई है, और जल्दी से जल्दी घर भी जाना है हमने। मुझे पता है आप लोग यही क्वेश्चन पूछोगे कि ये ग्रीन है और आप ऐसे निकाल रहे हो तो क्या इसमें सीड्स तैयार होंगे क्यूमिन के? तो बिल्कुल होंगे, यहाँ देखिए मम्मी ने हरा हरा ही उठाया हुआ है, तो ये खुद हो जाते हैं ना मम्मी तैयार? हाँ, ये खुद ही हो जाते हैं। अच्छा, दो तीन दिन इकट्ठा करके रखना पड़ता है। अच्छा, तो खुद ही तैयार हो जाता है। तो लास्ट ईयर नहीं था ये, इस साल है। पिछले बार क्यों नहीं था मम्मी? ये इसका फूल को सारा कीड़े ने खा लिया था, तभी नहीं होता ये। अच्छा, पिछले साल बारिशें भी तो नहीं हो रही थी ना टाइम से, तब कीड़े भी लग गए होंगे। तो देखिए आज बहुत सारा बारिश हो रहा है, मेरे आज इधर बहुत जंगली जीरा मिल गया। अच्छा, घास काट लिया आपने? घास भी काट दिया। अच्छा, अब जंगली जीरा उड़ने लगा। अच्छा, इधर बहुत है जंगली जीरा। आजकल तो बारिश है, आप लोग काम बंद? काम तो बंद हो गया जी, क्या करना, अब जंगली जीरा उड़ाना पड़ेगा, थोड़ा गाय के लिए घास भी काटना पड़ेगा। अच्छा, क्या करना, और क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? बताओ क्या क्या कर रहे हैं? और क्या करना, आजकल तो काम तो ये है, घास काटने का। अच्छा, जीरा उड़ाने का। और यहाँ भी देखो ना कितना सारा है, बहुत जीरा है इधर। गाइस देखिए यहाँ कितना सारा जीरा है। आप लोगों के नेपाल में होता है ये जीरा? हमारा नेपाल में तो हमारा साइड तो नहीं होता जीरा, ये नहीं होता है ना, नहीं होता है वाला जीरा। अच्छा, फिर दूसरा जीरा होता है? दूसरा वाला जीरा होता है। अच्छा, वो तो बीजते होंगे आप लोग? हाँ, वो तो बीजते जी। ये तो देखो खुद ही उग रहा है कुदरती। ये तो खुद ही उगता है इधर। अच्छा, आप लोग के नेपाल में क्या होता है? और नेपाल में अब और होता है जी, और कुछ? और कुछ क्या? क्या होता है और कुछ? कुछ होता है, हल्दी होता है। अच्छा, मौसम मतलब ठंड हमारे बराबर ही होती है ना कि कम? इधर कम होता है जी, हमारा नेपाल में तो कम होता है, उधर हमारे साइड कम होता है। अच्छा, तो होता है ना ठंडा। अच्छा, तो गाइस देखिए यहाँ पे कितना सारा जीरा उठा दिया, इसमें मेरी कोई भी मेहनत नहीं है, ये भाई लोग और मम्मी ने उठाया हुआ है। और मेरे कपड़े बहुत गिल्ले हो रहे थे बारिश में, और कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, मैं फिर अभी अभी तो ठीक हुई हूँ, फिर से बीमार हो जाऊंगी, इसलिए यहाँ देखिए। गाड़ी भी आ गई है हमारी, और यहाँ पे फटाफट से घास भरा जा रहा है गाड़ी में, और बारिश तेज हो रही है। स्नो को भी बीच में जाना ज़रूरी होता है, जैसे कि ये खुद काम करने वाला हो। और वहाँ पे स्पीड में घास कटाई चल रही है, और ठंड भी हो रही है काफ़ी, बारिश वाला मौसम है। और यहाँ फ्रेश फ्रेश फिश लेकर आए थे, और किन्नौर में भी आजकल फिश फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया है लोगों ने, तो वहाँ से लेकर आए हैं प्रॉन मछली, और मैं बना रही हूँ फिश करी। तो अभी सबसे पहले मैं इसे मैरिनेट करूँगी, किचन का हाल देखिए क्या क्या हो रहा है वहाँ पर, बुरे हाल है। और ऐसे हाल में ही मम्मी रोटियां बना रहे हैं पानी पानी के बीच में, मम्मी का भी हाल ही हाल है वहाँ। भगवान भाइयों को मेरा नमस्कार। अब दोबारा से फिर हम इस लाइन पे आ गए हैं कि भाई जैसा आजकल दो दिन से बारिश हो रही है लगातार, तो इससे ऐसा है कि भाई बारिश से फ़ायदा भी है नुकसान भी है, क्योंकि ये जो धुंध है बिल्कुल नीचे सतलुज तक पहुंच रहा है, तो इससे ज़्यादा ही होता है। जैसे ही मौसम साफ हो जाएगा तो एकदम गर्म भाप उठना शुरू हो जाएगा, उससे जो है कि जिन बगीचों में घास कटाई नहीं हुआ है वहाँ ज़्यादा नुकसान होगा, तो जिन बगीचों में घास कटाई हो गया हुआ है वहाँ पर इतना नुकसान नहीं होगा।
तो इस पर विशेष ध्यान रखना है, स्कैब का खतरा है। और ये पत्तियों का जैसे प्री मैच्योर लीफ फॉल जो आ रहा है, अब मतलब पहुंच गया है लगभग, तो इस पर विशेष ध्यान रखने का है। मौसम खुल गया तो पहले जो है फंगिसाइड का छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है। उसमें अधिक जानकारी के लिए केवीके में इतने साइंटिस्ट बैठे हैं हमारे रिकॉन्टियों में, और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उनसे करके ही छिड़काव करें, फजूल के खर्चे ना करें। दोस्तों अंधेरा होने को आया है, लाइट भी चली गई है और नेटवर्क भी नहीं है, और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। और आप लोगों को मैंने बताना था कि जो मुझे पिछले बार भी कमेंट आए थे कि जो किन्नर कैलाश यात्रा है वो कब स्टार्ट होने वाला है, तो वो जो सरकार की तरफ से होता है यात्रा, वो 1 अगस्त से 15 अगस्त तक के बीच में होगा, 2 हफ्तों के लिए। बाकी अभी जो यात्रियाँ आ रहे हैं वो अपने रिस्क पे आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनको पोर्टर भी मिल जाएंगे, उनको सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा, लेकिन वो अपने रिस्क पे आ रहे हैं। तो अभी कल ही की बात है, जो मैंने आप लोगों को कैलाश का पानी अक्सर दिखाया करती थी मैं टांगलिंग विलेज में, वहाँ पे चंडीगढ़ के कुछ लड़के आए हुए थे, उनमें से एक लड़का पानी में बह गया। तो मतलब ऐसा रिस्क मत लीजिए, अभी खास करके बरसात में मत आइए। लैंडस्लाइडिंग का भी बहुत खतरा है पहाड़ों पर, आप लोगों को पता ही है कि किस तरीके से लैंडस्लाइड हो जाता है। तो बारिशों के बाद आइए, थोड़ा सा आजकल सावन बहुत ज़ोरों शोरों पर चल रहा है, सब जगह ही बारिश हो रही है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। बाकी आप लोग आते हैं वो मेरी यात्रा वाली वीडियो दोबारा देखिए, अगर किसी ने किन्नर कैलाश आना है, यात्रा करनी है, तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप लोगों को। तो अगर अभी आते हैं तो आप लोग अपने रिस्क पे आएंगे, बाकी जान तो आप लोगों के अपने हाथ में ही है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मौसम बहुत ही रौद्र रूप ले रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, और एक दो दिन तो और बारिश दिखा रहा है वेदर पे ना, तो प्लीज़ ध्यान रखिए। मुझे ऐसा था कि आज मैं बगीचों में जाऊंगी और अच्छे से शूट करूंगी, बट हो नहीं सका। आप लोगों को पता ही है मुझे हमेशा ही आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज देना ही पसंद है, बट इस रेनी डे में कुछ नहीं हो पाया, बस यही सब हुआ। तो मैंने सोचा शेयर कर लेती हूँ, कितना मुसीबत हो रही है हमें यहाँ। जो हिली एरिया होता है ना, यहाँ देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर कष्ट बहुत है, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो लैंडस्लाइडिंग का खतरा है, तो बहुत कुछ देखना पड़ता है हमें यहाँ पे। देखने में तो बड़ा मज़ा आता है, पहाड़ कितने सुंदर है और ऊपर से पत्थर भी गिरते हैं, तो बहुत मुश्किल है ये सब। और आप लोग क्या क्या कर रहे हैं, और आप लोगों के वहाँ बारिश हो रही है नहीं हो रही है ये बताइएगा मुझे, और ये वाला व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। मिलती हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।